ओम शांति। आज 11 नवंबर 2024 बाबा के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, अपने ऊपर पूरी नजर रखो, कोई भी बेकायदे चलन नहीं चलना। श्रीमत का उल्लंघन करने से गिर जाएंगे। प्रश्न है, पद्मा पदम पति बनने के लिए कौन सी खबरदारी चाहिए? उत्तर है, सदैव ध्यान रहे, जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख और भी करने लगेंगे। किसी भी बात का मिथ्या अहंकार न आए, मुरली कभी भी मिस ना हो। मनसा वाचा कर्मणा अपनी संभाल रखो, यह आंखें धोखा ना दें तो पद्मों की कमाई जमा कर सकेंगे। इसके लिए अंतर्मुखी होकर बाप को याद करो और विकर्मों से बचे रहो। ओम शांति। रूहानी बच्चों को बाप ने समझाया है, यहाँ तुम बच्चों को इस ख्याल से जरूर बैठना होता है, यह बाबा भी है, टीचर और सतगुरु भी है, और यह भी महसूस करते हो, बाबा को याद करते करते पवित्र वन पवित्र धाम में जाकर पहुंचेंगे। बाप ने समझाया है कि पवित्र धाम से ही तुम नीचे उतरते हो, उसका नाम ही है पवित्र धाम। सतो प्रधान से फिर सतो रजो तमो। अभी तुम समझते हो कि हम नीचे गिरे हुए हैं, अर्थात वैश्यालय में हैं। भल तुम संगम युग पर हो, परंतु ज्ञान से तुम जानते हो कि हमने किनारा किया हुआ है। फिर भी अगर हम शिव बाबा की याद में रहते हैं तो शिवालय दूर नहीं। शिव बाबा को याद नहीं करते तो शिवालय बहुत दूर है। सजाएं खानी पड़ती हैं तो बहुत दूर हो जाता है। तो बाप बच्चों को कोई जास्ती तकलीफ नहीं देते हैं। एक तो बार बार कहते हैं, मनसा वाचा कर्मणा पवित्र बनना है। यह आंखें भी बड़ा धोखा देती हैं। इनसे बहुत संभाल कर चलना होता है। बाप ने समझाया है कि ध्यान और योग बिल्कुल अलग है। योग अर्थात याद, आंखें खुली होते भी तुम याद कर सकते हो। ध्यान को कोई योग नहीं कहा जाता। भोग भी ले जाते हैं तो डायरेक्शन अनुसार ही जाना है। इसमें माया भी बहुत आती है। माया ऐसी है जो एकदम नाक में दम कर देती है। जैसे बाप बलवान है वैसे माया भी बड़ी बलवान है। इतनी बलवान है तो सारी दुनिया को वैश्यालय में धकेल दिया है। इसलिए इसमें बहुत खबरदारी रखनी होती है। बाप की कायदे अनुसार याद चाहिए। बेकायदे कोई काम किया तो एकदम गिरा देती है। ध्यान आदि की कभी कोई इच्छा नहीं रखनी है। इच्छा मात्रम अविद्या। बाप तुम्हारी सब मनोकामनाएं बगैर मांगे पूरी कर देते हैं, अगर बाप की आज्ञा पर चले तो। अगर बाप की आज्ञा ना मान उल्टा रास्ता लिया तो हो सकता है स्वर्ग के बदले नर्क में ही गिर जाए। गायन भी है, गज को ग्राह ने खाया। बहुतों को ज्ञान देने वाले भोग लगाने वाले आज है कहां, क्योंकि बेकायदे चलन के कारण पूरे मायावी बन जाते हैं। डेटी बनते बनते
डेविल बन जाते हैं। बाप जानते हैं कि बहुत अच्छे पुरुषार्थी जो देवता बनने वाले थे वह असुर बन असुरों के साथ रहते हैं, ट्रेटर हो जाते हैं। बाप का बनकर फिर माया के बन जाते, उन्हें ट्रेटर कहा जाता है। अपने ऊपर नजर रखनी होती है, श्रीमत का उल्लंघन किया तो यह गिरे पता भी नहीं पड़ेगा। बाप तो बच्चों को सावधान करते हैं कि कोई ऐसी चलन ना चलो जो रसातल में पहुंच जाओ। कल भी बाबा ने समझाया, बहुत गोप हैं, आपस में कमेटियां आदि बनाते हैं, जो कुछ करते हैं श्रीमत के आधार बगैर करते हैं, तो डिसर्विस करते हैं। बगैर श्रीमत करेंगे तो गिरते ही जाएंगे। बाबा ने शुरू में कमेटी बनाई थी तो माताओं की बनाई थी, क्योंकि कलश तो माताओं को ही मिलता है। वंदे मातरम गाया हुआ है ना, अगर गोप लोग कमेटी बनाते हैं तो वंदे गोप तो गायन नहीं है, श्रीमत पर नहीं तो माया के जाल में फंस पड़ते हैं। बाबा ने माताओं की कमेटी बनाई, उन्होंने हवाले सब कुछ कर दिया। पुरुष अक्सर करके देवाला मारते हैं, स्त्रियां नहीं, तो बाप भी कलश माताओं पर रखते हैं। इस ज्ञान मार्ग में माताएं भी देवाला मार सकते हैं। पद्मा पदम भाग्यशाली जो बनने वाले हैं वह माया से हार खाकर देवाला मार सकते हैं। इसमें स्त्री पुरुष दोनों देवाला मार सकते हैं और मारते भी हैं। कितने हार खाकर चले गए, गोया देवाला मार दिया ना। बाप समझाते हैं, भारतवासियों ने तो पूरा देवाला मारा है। माया कितनी जबरदस्त है, जो समझ नहीं सकते हैं हम क्या थे, कहां से एकदम नीचे आकर गिरे हैं। यहां भी ऊंच चढ़ते चढ़ते फिर श्रीमत को भूल अपनी मत पर चलते हैं तो देवाला मार देते हैं। वो लोग तो देवाला मारते फिर 5-7 वर्ष बाद खड़े हो जाते हैं। यहां तो 84 जन्मों का देवाला मारते हैं, ऊंच पद पा ना सके, देवाला मारते ही रहते हैं। बाबा के पास फोटो होता तो बतलाते, तुम कहेंगे बाबा तो बिल्कुल ठीक कहते हैं। यह कितना बड़ा महारथी था, बहुतों को उठाते थे, आज है नहीं, देवाले में है। बाबा घड़ी घड़ी बच्चों को सावधान करते रहते हैं। अपनी मत पर कमेटियां आदि बनाना, इसमें कुछ रखा नहीं है। आपस में मिलकर झरमुई झगमुई करना, यह ऐसा करता था, फलाना ऐसा करता था, सारा दिन यही करते रहते हैं। बाप से बुद्धि योग लगाने से ही सतु प्रधान बनेंगे। बाप का बने और बाप से योग नहीं तो घड़ी घड़ी गिरते रहेंगे। कनेक्शन ही टूट पड़ता है, लिंक टूट जाए तो घबराना नहीं चाहिए। माया हमें इतना तंग क्यों करती है, कोशिश कर बाप के साथ लिंक जोड़नी चाहिए, नहीं तो बैटरी चार्ज कैसे होगी। विकर्म होने से बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। शुरू में कितने ढेर के ढेर बाबा के आकर बने,
भट्टी में आए फिर आज कहाँ है, गिर पड़े क्योंकि पुरानी दुनिया याद आई। अभी बाप कहते हैं मैं तुमको बेहद का वैराग्य दिलाता हूँ, इस पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगाओ, दिल स्वर्ग से लगानी है। अगर ऐसा लक्ष्मी नारायण बनना है तो मेहनत करनी पड़े, बुद्धि योग एक बाप के साथ होना चाहिए। पुरानी दुनिया से वैराग्य, सुख धाम और शांति धाम को याद करो, जितना हो सके उठते बैठते चलते फिरते बाप को याद करो, यह तो बिल्कुल ही सहज है। तुम यहाँ आए ही हो नर से नारायण बनने के लिए, सबको कहना है कि आप तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है, क्योंकि रिटर्न जर्नी होती है, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट, माना नर्क से स्वर्ग फिर स्वर्ग से नर्क, यह चक्र फिरता ही रहता है। बाप ने कहा है यहाँ स्वदर्शन चक्रधारी होकर बैठो, इसी याद में रहो कि हमने कितने बार चक्र लगाया है। अभी फिर से हम देवता बन रहे हैं, दुनिया में कोई भी इस राज को नहीं समझते हैं, यह ज्ञान देवताओं को है नहीं, वह तो है ही पवित्र, उनमें ज्ञान ही नहीं जो शंख बजावे, वह पवित्र है, उनको यह निशानी देने की दरकार नहीं। निशानी तब होती है जब दोनों इकट्ठे होते हैं, तुमको भी निशानी नहीं क्योंकि तुम आज देवता बनते बनते कल असुर बन जाते हो। बाप देवता बनाते माया असुर बना देती है, बाप जब समझाते हैं तब पता पड़ता है कि सचमुच हमारी अवस्था गिरी हुई है। कितने बेचारे शिव बाबा के खजाने में जमा कराते फिर मांग कर असुर बन जाते, इसमें योग की ही सारी कमी है, योग से ही पवित्र बनना है। बुलाते भी हो बाबा आओ हमें पतित से पावन बनाओ, जो हम स्वर्ग में जा सके, याद की यात्रा है ही पावन बन ऊंच पद पाने के लिए। जो मर जाते हैं फिर भी जो कुछ सुना है तो शिवालय में आएंगे जरूर, पद भल कैसा भी पाएं एक बार याद किया तो स्वर्ग में आएंगे जरूर, बाकी ऊंच पद पा ना सकें। स्वर्ग का नाम सुनकर खुश होना चाहिए, फेल हो पाई पैसे का पद पा लिया इसमें खुश नहीं हो जाना है। फीलिंग तो आती है ना, मैं नौकर हूँ, पिछाड़ी में तुम्हें सब साक्षात्कार होंगे कि हम क्या बनेंगे, हमसे क्या विकर्म हुआ है जो ऐसी हालत हुई है, मैं महारानी क्यों नहीं बनूं। कदम कदम पर खबरदारी से चलने से तुम पद्मा पदम पति बन सकते हो। मंदिरों में देवताओं को पदम की निशानी दिखाते हैं, दर्जे में फर्क हो जाता है, आज की राजाई का कितना दबदबा रहता है तो अल्पकाल का, सदाकाल के राजा तो बन ना सके। तो अभी बाप कहते हैं तुम्हें लक्ष्मी नारायण बनना है तो पुरुषार्थ भी ऐसा चाहिए, कितना हम औरों का कल्याण करते हैं,
अंतर्मुख हो कितना समय बाबा की याद में रहते हैं। अभी हम जा रहे हैं अपने स्वीट होम में, फिर आएंगे सुखधाम में। यह सब ज्ञान का मंथन अंदर में चलता रहे। बाप में ज्ञान और योग दोनों हैं, तुम्हारे में भी होना चाहिए। जानते हो हमें शिव बाबा पढ़ाते हैं, तो ज्ञान भी हुआ और याद भी हुई। ज्ञान और योग दोनों साथ साथ चलता है। ऐसे नहीं योग में बैठो, बाबा को याद करते रहो और नॉलेज भूल जाए। बाप योग सिखलाते हैं तो नॉलेज भूल जाते हैं क्या? सारी नॉलेज उनमें रहती है। तुम बच्चों में भी नॉलेज होनी चाहिए, पढ़ना चाहिए। जैसे कर्म मैं करूंगा, मुझे देख और भी करेंगे। मैं मुरली नहीं पढ़ूंगा तो और भी नहीं पढ़ेंगे। मिथ्या अहंकार आ जाता है तो माया झट वार कर देती है। कदम कदम बाप से श्रीमत लेते रहना है, नहीं तो कुछ न कुछ विकर्म बन जाते हैं। बहुत बच्चे भूले करते, बाप को नहीं बताते तो अपनी सत्यानाश कर लेते हैं। गफलत होने से माया थप्पड़ लगा देती है, वर्थ नौटपानी बना देती है। अहंकार में आने से माया बहुत विकर्म कराती है। बाबा ने ऐसे थोड़े ही कहा है, ऐसी ऐसी पुरुषों की कमेटियां बनाओ। कमेटी में एक दो समझो सयानी बच्चियां जरूर होनी चाहिए, जिनकी ही राय पर काम हो। कलश तो लक्ष्मी पर रखा जाता है ना। गायन भी है, अमृत पिलाते थे, फिर कहा यज्ञ में विघ्न डालते थे। अनेक प्रकार के विघ्न डालने वाले हैं, सारा दिन यही झरमुई झगमुई की बातें करते रहते हैं। यह बहुत खराब है। कोई भी बात हो तो बाप को रिपोर्ट करनी चाहिए। सुधारने वाला तो एक ही बाप है। तुम अपने हाथ में लॉ नहीं उठाओ, तुम बाप की याद में रहो। सभी को बाप का परिचय देते रहो, तब ऐसा बन सकेंगे। माया बहुत कड़ी है, किसको नहीं छोड़ती। सदैव बाप को समाचार लिखना चाहिए, डायरेक्शन लेते रहना चाहिए। यू तो डायरेक्शन सदैव मिलते रहते हैं। ऐसे तो बच्चे समझते हैं, बाबा ने तो आपे ही इस बात पर समझा दिया। बाबा तो अंतर्यामी है। बाबा कहते नहीं, मैं तो नॉलेज पढ़ाता हूँ, इसमें अंतर्यामी की बात ही नहीं। हाँ, यह जानता हूँ कि यह सब मेरे बच्चे हैं। हर एक शरीर के अंदर मेरे बच्चे हैं। बाकी ऐसे नहीं कि बाप सभी के अंदर विराजमान है। मनुष्य तो उल्टा ही समझ लेते हैं। बाप कहते हैं, मैं जानता हूँ कि सभी तख्त पर आत्मा विराजमान है। यह तो कितनी सहज बात है। सभी चैतन्य आत्माएं अपने अपने तख्त पर बैठी हैं, फिर भी परमात्मा को सर्वव्यापी कह देते हैं। यह है एकज भूल। इस कारण ही भारत इतना गिरा हुआ है। बाप कहते हैं, तुमने मेरी बहुत ग्लानी की है। विश्व के मालिक बनाने वाले को तुमने गाली दी है, इसलिए
बाप कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य। बाहर वाले यह सर्वव्यापी का ज्ञान भारतवासियों से सीखते हैं, जैसे भारतवासी उनसे हुनर सीखते हैं वह फिर उल्टा सीखते हैं। तुम्हें तो एक बाप को याद करना है और बाप का परिचय भी सबको देना है। तुम हो अंधों की लाठी, लाठी से राह बतलाते हैं ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की। रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, बाप की आज्ञा अनुसार हर कार्य करना है, कभी भी श्रीमत का उल्लंघन ना हो, तभी सर्व मनोकामनाएं बिना मांगे पूरी होंगी। ध्यान दीदार की इच्छा नहीं रखनी है, इच्छा मात्रम अविद्या बनना है। दूसरा, आपस में मिलकर झरमुई झगमुई यानी एक दूसरे का पर चिंतन नहीं करना है। अंतर्मुख हो अपनी जांच करनी है कि हम बाबा की याद में कितना समय रहते हैं। ज्ञान का मंथन अंदर चलता है, वरदान है हर आत्मा के संबंध संपर्क में आते सबको दान देने वाले महादानी वरदानी भव। सारे दिन में जो भी संबंध संपर्क में आए उसे कोई न कोई शक्ति का ज्ञान का गुण का दान दो। आपके पास ज्ञान का भी खजाना है तो शक्तियों और गुणों का भी खजाना है। तो कोई भी दिन बिना दान दिए खाली ना जाए, तब कहेंगे महादानी। दूसरा, दान शब्द का रूहानी अर्थ है सहयोग देना। तो अपनी श्रेष्ठ स्थिति के वायुमंडल द्वारा और अपनी वृत्ति के वाइब्रेशंस द्वारा हर आत्मा को सहयोग दो, तब कहेंगे वरदानी। स्लोगन है जो बाप दादा और परिवार के समीप है उनके चेहरे पर संतुष्टता रूहानियत और प्रसन्नता की मुस्कुराहट रहती है। ओम।